बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की यहाँ पे प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट अनाउंस करी गई है। 595 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, यानी 595 वैकेंसी हैं। इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला अपना, 595 टोटल वैकेंसी है, 595 वैकेंसी है। इसको आवेदन करने की लास्ट डेट जो है 12 अक्टूबर है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है वो आपका 2 सितंबर में हुआ है, 2 सितंबर निकला है। तो यहाँ पे आपके पास पूरा एक महीना है अप्लाई करने का, तो इसे तुरंत आवेदन कर दीजिए, बाद का वेट ना करें, लास्ट डेट का वेट ना करें। प्रोफेसर की जॉब है, लोकेशन आपकी रायपुर छत्तीसगढ़ रहेगी। अगर आपने PhD या MSc आपने कर मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री PhD आपने कर रखी है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आपका ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है प्रोफेसर के। तो प्रोफेसर की यहाँ पे भर्तियाँ हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फीस, इस बारे में पूरा बात करते हैं। एज लिमिट की भी बात करते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि पॉइंट, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेसर कैसे होगा। ठीक है, सिलेक्शन यहाँ पे होगा दोस्तों, आपका ये रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका ये इंटरव्यू होगा। जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो 300 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब रिटर्न एग्ज़ाम में क्या होगा, देखिए रिटर्न एग्ज़ाम आपका 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। 2 पार्ट में होगा, 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे जिसमें कि हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा जो पेपर हो गया 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपका रहेगा सेकेंड पार्ट रहेगा वो भी 100 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, हर एक उसमें 2 मार्क्स के रहेंगे। तो ये पूरा टॉप का 200 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो पहला पेपर है उसमें छत्तीसगढ़ की जनरल स्टडीज़ पूछी जाएगी, जो कि आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपके 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स आप लोग अप्लाई करते हैं, 100 क्वेश्चन उसके रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका 2 नंबर के 1 क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आपका पूरा का पूरा दोनों के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ यहाँ पे इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से है। यहाँ पे 13 सितंबर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और लास्ट डेट आपकी 12 सितंबर रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्शन भी कर सकते हैं, 13 अक्टूबर को करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के एप्लीकेशन फॉर्म जो है क्लोजिंग डेट 17 अक्टूबर तक रखी गई है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है सभी के लिए 400 रुपये है। SC ST OBC और नॉन क्रीमी लेयर्स और PWD के लिए यहाँ पे 300 रुपये फ़ीस है। ठीक है, पेमेंट मोड आपका ऑफलाइन ही ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैंने बता दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे सारे इंपॉर्टेंट लिंक, वहाँ से जाकर आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हैं वहाँ से जाके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। प्रोफेसर के लिए आपके 595 वैकेंसी होनी चाहिए, 595 वैकेंसी रखी गई है। आपके पास क्वालिफिकेशन है PhD को, PhD यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, 31 से लेकर 35 साल तक एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी बन जाती है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इन सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे दे रखा है हिंदी अंग्रेजी, ये अपना पूरा नोटिफिकेशन में दे रखा है। समाजशास्त्र का भी है, भूगोल का भी है, भौतिकी का भी है, गणित के भी है। तो आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सैन्य विज्ञान, वाणिज्य और आपके बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में आप लोग चेक कर सकते हैं, अपने रेलेवेंट फील्ड में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैंने दे रखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आगे सीधे क्लिक करो और इसे अप्लाई कर दीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। इस तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।